नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आपका भाई का चैनल स्टंप पिच प्रदर्शन में एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तो देखिए, मैं आपको बोला था कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो जो खेल होगी उसके पूरा प्रीव्यू और रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो देखिए, पहला ओडीआई खत्म हो गया है, मैं उसका प्रीव्यू किया था और उस प्रीव्यू के बाद आज जो पहला ओडीआई हुआ उसका पूरा रिव्यू करेंगे, फुल स्कोर कार्ड आपके सामने उठा कर लाएंगे और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना। तो देखिए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खेल में बांग्लादेश पहले टॉस जीती, शेरी बांगला स्टेडियम में टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ली। मैं आपको बोला था कि पिच थोड़ा सा स्लो हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश से टैक्टिक्स लगा रहा है कि जो ही बांग्लादेश में कुछ ट्राई सीरीज या सीरीज हो रहा है वहां पे थोड़ा स्लो पिच करके, थोड़ा स्पिनिंग पिच करके थोड़ा दिक्कत में डाल रहा है जो प्लेयर आ रहा है बाहर से। तो वही हुआ, मैं आपको बोला था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट या बॉलिंग फ्रेंडली पिच जरूर से बांग्लादेश में होगा, वो भी हुआ है। तो देखिए, पहले बांग्लादेश ने टॉस जीती और बॉलिंग ले ली, जैसा ही होता है वैसा ही, क्योंकि सेकेंड टाइम में अगर थोड़ा सा ड्यू गिरे तो थोड़ा बॉलिंग करने में प्रॉब्लम होती है, ग्रिप थोड़ा कम आती है। तो देखिए, इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ क्योंकि या फिर शिखर धवन, रोहित शर्मा उतना अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए जैसा खेलने की बात थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किए, उसके बाद शिखर धवन सिर्फ 7 रन बना के आउट हो गए थे और हम करते कि वहाँ पर रोहित शर्मा थोड़ा सा टच में दिख रहे थे, अच्छा दो चार ड्राइव लगाई, लेकिन उसके बाद शकीबुल हसन की गेम में 27 रन बना के उन्होंने आउट हो गए। हम अगर देखें शिखर धवन को मेहदी हसन ने लूट लिया, उसके बाद कोहली सिर्फ 9 रन ही बना पाए और उनको भी शाकिब ने आउट की दिया और बहुत अच्छा तरीके से 9 रन में आउट किया। बहुत अच्छा बॉल भी था और बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा था लिटन दास ने। हम कहते हैं कि श्रेयस अय्यर अच्छा तरीके से सेट दिख रहे थे मुझे क्योंकि उनका उतना ज्यादा टाइम लगता नहीं, 24 रन भी बनाए लेकिन उतना अच्छा तरीके से खेल नहीं पाए। इबादत हुसैन की गेम में बहुत बुरी तरीके से आउट है, मुझे लगता था कि श्रेयस ऐसा गलती नहीं करेंगे लेकिन हो जाता है कभी कभार, ऐसा बोला नहीं जा सकता क्योंकि कंटिन्यू बंदा रन बना रहा है। कल भी जैसा कुछ लोगों का परफॉर्मेंस था उससे बहुत अच्छा बेहतर ही खेला। हम अगर देखें केएल राहुल सबसे अच्छा खेला, जिसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा था, ओडीआई में आके केएल राहुल सब तोड़ दिया और बहुत अच्छा तरीके से हमने 73 रन बनाए सिर्फ 70 गेम में, बहुत अच्छा खेला। वो जो परिस्थिति था उसके ऊपर विचार करते हुए थोड़ा सा 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल दिया और बहुत अच्छा तरीके से रन को एक स्थितिशील जगह पे ले गए, नहीं तो इतना अच्छा रन स्कोरबोर्ड में नहीं लगता। तो उन्होंने भी जो उनके शतक था मिस कर गया, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था उनके शतक बनाने के, लेकिन जो पिच का कंडीशन है इसीलिए इबादत हुसैन की गेम पे उन्होंने आउट हो गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर उतना अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, 19 रन बना के आउट हो गए थे। शकीबुल हसन के गेम में शकीबुल हसन कुल 5 विकेट लिया और बहुत बढ़िया विकेट लिया, बहुत अच्छा तरीके से पिच की कंडीशन की एकदम फायदा उठा ली। हम अगर देखें तो उसके बाद शाहबाज अहमद उतना कुछ कर नहीं पाए, उनको सेकेंड ऑलराउंडर के तरह हम देख रहे थे लेकिन उन्होंने 0 रन कर पाए, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर पाए। हम अगर देखें इबादत हुसैन, उनको भी विकेट ले लिया, सादुल ठाकुर 2 रन बना पाए सिर्फ, शकीब ने उनकी विकेट लिया, दीपक चाहर को भी शकीब ने घर भेज दिया और सिराज को भी हम अगर देखें इबादत हुसैन ने विकेट ले लिया। सिराज 9 रन बनाए थे, 20 गेम खेले थे, बहुत टाइम से साथ देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए और कुलदीप से नॉट आउट रहे सिर्फ 2 रन बना के 9 गेम पे। तो यहाँ पे हम अगर देखें जो डिसअपॉइंटमेंट है, इतना बड़ी बैटिंग लाइनअप लेके भी इंडिया इतना बढ़िया तरीके से फेल की, तो ये हम देखिए इतना जो हम कह रहे थे कि बांग्लादेश की जो पिच है वो स्पिनिंग फ्रेंडली है, ये बात सही है, लेकिन इंडिया भी एशियन कंट्री है, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने स्पिन खेलते भी है, थोड़ा अगर धीरे समझ के खेलते तो इंडिया की ऐसा हालत नहीं होती। मुझे लगता है थोड़ा सा स्पिनिंग डोमिनेशन के लिए इंडिया की ये प्रॉब्लम हुई। और देखिए हम पकड़ देखें तो 8 नंबर तक इंडिया के बल्लेबाज थे, हम अगर देखें तो 8 नंबर पे आ रहा है दीपक चहर। दीपक चहर बहुत अच्छा खेला है 50 ओवर में और कि 20 ओवर में भी उनकी 50 है। T20 में तो श्रीलंका के साथ क्या बढ़िया इनिंग्स खेल के जीता दिया था मैच। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और स्पिनिंग विकेट के कारण इंडिया थोड़ा सा पीछे चल गए। तो उसके बाद हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अच्छा शुरुआत की थी लेकिन पहला ही गेम पे दीपक चहर सांटो की विकेट ले ली थी, लेकिन उसके बाद लिटन दास और वहाँ पे हक की विकेट लेने के बाद शकीबुल हसन दोनों मिलके बहुत अच्छा खेल रहे थे। हम अगर देखें तो लिटन दास 41 रन बनाए, थोड़ा धीमे खेल रहे थे क्योंकि जानते थे स्कोरबोर्ड का उतना प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा समय भी दिया, लेकिन
एक बहुत बढ़िया कैच के मुताबिक उन्होंने आउट हो गए। और हम अगर देखें तो वाशिंगटन सुंदर जो गेम डाली थी बहुत अच्छा गेम डाली थी, और राहुल बहुत अच्छा कैच पकड़ी थी लिटन दास की। हम अगर देखें उसके बाद जो हक ने 14 रन बनाए थे, सिराज उनको बहुत बढ़िया एक गेम से आउट किया। हम अगर देखें शकीबुल हसन ठीक ठाक खेल रहे थे लेकिन सुंदर उनको भी चलता गया। मुस्तफिक रहीम को सिराज ने आउट किया। सिराज और सुंदर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उसमें हमें एक्सपेक्टर जो लगी जो फाइटिंग पोजिशन में ले आया इंडिया को वो है हम अगर देखें शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा बॉलिंग की कंटिन्यूअस एकदम गोल्डन आर्म हम कह सकते थे, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। देखिए बल्ले से ठीक ठाक लग भी नहीं रहा था, बहुत कंटिन्यू ड्राइव खेल रहे थे बांग्लादेशी प्लेयर्स। हम अगर देखें महमदुल्ला मुस्फिकुर रहीम लेकिन उतना अच्छा तरीके से रन नहीं बना पा रहे थे, कभी कभार पिच में थोड़ा डाउनफॉल के कारण शार्दुल ठाकुर की गेम थोड़ा नीची हो जा रही थी जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था महमदुल्ला को। आप अगर देखे होंगे फुल मैच तो आप जरूर से ये नोटिस किए होंगे। तो हम अगर देखें मुस्फिकुर रहीम 18 रन बनाए और उनको भी सिराज ने चलता किया, बहुत अच्छा सिराज बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा सा बाउंस भी उनको मिल रहा था। और हम अगर देखें शार्दुल ठाकुर को जैसे बाउंस भी मिल रहा था कुछ गेम उनका नीचे भी जा रहा था, तो थोड़ा पिच की तो यहाँ पे डिफॉल्ट है ही और बॉलिंग फ्रेंडली पिच जरूर से है, तो उस टाइम बहुत बढ़िया तरीके से एक फाइटिंग जोन हो गई थी और 134 में कम से कम 8 या 9 गिर गए थे। लेकिन उसके बाद मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान दोनों ने मिलकर बारी को संभाला। तो हम करते कि इबादत हुसैन हसन महमूद इन्हों ने 0 रन में आउट हो गए थे, उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए लेकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम करते हैं मेहदी हसन 38 रन का जो इनिंग्स कल खेल दी, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल दी और एक विकेट लेने के साथ उनको ही प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और बहुत बढ़िया तरीके से पेशेंस के साथ मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा सा साथ दिए और उसके साथ मेहदी हसन खेल को आगे लेते हुए बहुत बढ़िया तरीके से उनकी टीम और बांग्लादेश को जीता दिया। और बांग्लादेश कम से कम मैं कह रहा था कि इंडिया जो पोजीशन में था आराम से जीत सकता था अगर विकेट ले पाता तो, लेकिन वो नहीं कर पाए। दीपक चहर कंटिन्यू एक नो बॉल भी कर दिए थे, पहला गेम पे एक चौका भी खा गया था, इसीलिए जो मैच था वो उतना दूर गया नहीं। एक विकेट जरूर से गिर सकता था वहाँ पे क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान था, वहाँ पे एक चांस था लेकिन उतना अच्छा यॉर्कर की अटेम्प्ट नहीं हो पाई। तो मुझे इसीलिए लगता है इंडिया थोड़ा लैक कर गए लेकिन फाइटिंग बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया फाइट दी थी इंडिया में एक लो स्कोरिंग गेम पे, बहुत सच में बहुत अच्छा फाइट दी थी। लेकिन ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था इंडिया को क्योंकि ये मैच अगर जीतता तो बहुत अच्छा मनोबल भी पाता। और लो स्कोरिंग ऐसा हो भी सकता है कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हो लो स्कोरिंग गेम हो और लो स्कोरिंग गेम पे अगर जीत जाते हो तो एक अलग तरीके की इंटेंसिटी हम देखते हैं या हमें नजर आती है कुछ टीम में। तो यही एक मुझे फॉल्ट लगा कि इंडिया की बॉलिंग अटैक अंत में जाके थोड़ा सा फेल हो गया क्योंकि इतना अच्छा तरीके से एक सेटअप करने के बाद अगर फाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो यही बात होता है क्योंकि अंत भला तो सब भला होती है। और मुझे लगता है बैटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि टॉप ऑर्डर की बैटिंग अगर ठीक ठाक नहीं चले तो 50 ओवर की जो गेम होती है वहाँ पर उतना अच्छा प्रतिफलन हमें नहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है जो टॉप ऑर्डर है उनको थोड़ा सा अच्छा तरीके से अब दिखना चाहिए। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली तो रन बना के है जो भी है, विराट कोहली को थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि 50 ओवर की मैच है, 50 ओवर में अच्छा तरीके से अगर 50 करके भी कंट्रीब्यूशन टॉप ऑर्डर कर दे, 150 या 100 रन की एक पार्टनरशिप भी हो जाए तो एक बहुत अच्छा टोटल के करीब जा सकते हैं जो जैसा भी पिच हो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर देख के खेले तो नेक्स्ट जो 2 मैच है इंडिया जीत सकती है, सीरीज भी जीत सकती है, अभी भी सीरीज पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं अंत में क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपका क्या राय है इस खेल के बारे में, कहाँ पे इंडिया हारी, कहाँ पे इंडिया की प्रॉब्लम हुई जरूर से बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जरूर से कमेंट करना और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाना। थैंक यू।